बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी, यूक्रेन की स्थिति पर विदेश मंत्री देंगे प्रेजेंटेशन, पीएम मोदी भी करेंगे बैठक को संबोधित। कपिल सिब्बल का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा गांधी परिवार किसी और को मौका दे, कल्पना लोक में जी रही है कांग्रेस। संसद में गुजा कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा, पक्ष विपक्ष आए आमने सामने, सांसदों ने पीओके के लिए अलग बजट बनाने की मांग। राजभर ने किया नया दाव, कहा 122 सीटों पर बीजेपी ने तय किए बीएसपी प्रत्याशी, एक कार्यालय में तय हुए नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की, बता दें बीजेपी के संसदीय दल की बैठक जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी संसदीय दल की बैठक के लिए अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंच गए। बता दें बैठक शुरू होने से पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई, वह यूक्रेन की स्थिति पर विदेश मंत्री की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बता दें साथ ही पीएम मोदी और जेपी नड्डा का मार्गदर्शन मिलेगा। बता दें कि लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं, वहीं जबकि राज्यसभा में 97 सांसद हैं। वहीं बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। बता दें 10 मार्च को 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें पंजाब को छोड़कर बीजेपी ने सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पद छोड़ दे और किसी दूसरे नेता को मौका मिले। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा कि अगर उन्हें हार के कारणों की जानकारी नहीं मिली तो कल्पना लोक में जी रही है। सिब्बल ने आगे कहा कि वो विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बाहर भी एक कांग्रेस है, कृपया उनके विचारों को सुने। अगर आप चाहें तो हमारे जैसे बहुत से नेता हैं जो सीडब्ल्यूसी में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में एक पूरी तरीके से अलग दृष्टिकोण है। क्या इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सीडब्ल्यूसी में नहीं है। देश भर में बहुत सारे कांग्रेसी हैं, केरल से, आसाम से, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, जो उस दृष्टिकोण को नहीं देखते। वही कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में है। बता दें फिल्म में 1990 के दौरान कश्मीरी घाटी में कश्मीर पंडितों के पलायन के मुद्दे को दर्शाया है। बता दें इस बीच संसद में भी पंडितों के पलायन का मुद्दा उठा। जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। वही आपको बता दें कि सदन में जम्मू कश्मीर के बजट पर हुई चर्चा में जितनी बार बजट को लेकर हुई उतनी बात उससे कई ज्यादा चर्चा जो है आतंकवाद को लेकर हुई, धारा 370 और पंडितों के पलायन को लेकर हुई। बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने कश्मीर घाटी से हुए पंडितों के पलायन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, तो विपक्ष ने सरकार से पूछा कि इन पंडितों को वहां क्यों नहीं बसाया जा रहा है। वही चर्चा के दौरान कई सांसदों ने पीओके का मामला भी उठाया। बता दें बीजेडी के भरथरी मेहताज, बीजेपी के जमयाक शेरिंग और जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ज्यादा की बजट के में पीओके को लेकर सांकेतिक तौर पर अलग बजट बनाने का सुझाव दिया। तो एक तरफ जहां पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक की बात करें तो इस पर बवाल मचा हुआ, और ऐसे में संसद में कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा गूंज उठा है। तो एक तरफ जहां कश्मीर फाइल्स की बात करें तो पीओके के लिए अलग बजट बनाने की मांग की गई, इसी के साथ ही कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा भी संसद में गूंजा, तमाम सांसदों ने इसका मुद्दा भी उठाया संसद में। वही खबर चमोली से, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग विष्णुप्रयाग के पास सड़क पोकलैंड अचानक पलट गया, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। बता दें गनीमत रही कि कोई जन हानि नहीं हुई, जिसके बाद जेसीबी मशीन से पोकलैंड को उठाकर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया। बता दें जिससे यातायात सुचारू रूप से चल पाया। तो अचानक पोकलैंड पलट गया,
हालांकि कोई हानि जो है वो नहीं हुई। वही खबर औरैया से, जहां पर होली के अवसर पर दो युवती घर की रंगाई को लेकर मिट्टी खोदने के लिए टीले पर गई थी, जहां मिट्टी की खुदाई के दौरान टीला ढह गया। बता दें जिसके चलते दोनों युवती मलबे में दब गई, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों किशोरियों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टर ने दोनों युवतियों को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो ये कितने बजे का मामला है? ये लगभग बताया गया 6 बजे के लगभग टाइम बता होगा, मुझे पता चला तो जीसीबी लेके उधर से हम आए, तब तक इनने बिटियाँ काट ली, भी आए हजू साहब भी आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लोग आए। तो क्या हुआ है, मामला क्या है? अब मामला बिटियाँ पीड़ा खोदने गई तो बाड़ी फिसक गई तो दब गई उसमें। उसके साथ मामला हुआ, वो जो है साइकिल से जो है वो मिट्टी खोदने गई थी घर लीपने के लिए, तो वहीं पे जो है खोद रही थी, उसी टाइम जो है एकदम से पहाड़ी फसली, दोनों बेटी दब गई थी। कौन कौन दब गया? एक सरस्वती और दूसरी थी संध्या। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers,
dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद नया शगुफा छोड़ दिया। बता दें उनका कहना है कि पूर्वांचल के 122 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय बीजेपी कार्यालय में हुआ, जबकि उन्हें सिंबल बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यालय में दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वो इसका सबूत भी दे सकते हैं। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चाहे बसपा हो या कांग्रेस, से चार बार सत्ता में रह चुकी पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, उनके वोट कहां गए। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव वार रिव्यू करने का निर्णय भी लिया। उनके रिपोर्ट्स में हमारी जो कमियां मिलेंगी, जिन्हें हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो 122 सीटों पर बीजेपी ने, बसपा ने प्रत्याशी तय किए। ओपी राजभर का यह बड़ा दावा, वही मतगणना के पहले नवीन मंडी के गेट पर सरकारी गाड़ियों को चेक करने के मामले में हुई कार्रवाई, बता दें जिसमें करीब 17 नामजद और 30 अज्ञात सपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज की गई। ये कार्रवाई सरकारी कार्य में अवरोध और जनता के बीच भ्रम फैलाने के मामले में हुई है। बता दें कि सपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के निर्देश पर गाड़ियों को चेक कर रहे थे। तो एक तरफ जहां हमने वो तस्वीर भी देखी जब सपा के कार्यकर्ता गाड़ियों को चेक कर रहे थे मतगणना से पहले, और उसके बाद इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। वही कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। बता दें हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। बता दें कर्नाटक कोर्ट में उडुपी के लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी। वही कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। छात्राओं ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगा के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। वही बता दें कि इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस GM खाजी के बेंच का गठन किया गया था। छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति जानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी आस्था का हिस्सा है। तो एक तरफ जहां हिजाब विवाद की बात की जाए, तो कुछ समय पहले एक बवाल सा छिड़ गया था, और ऐसे में आज हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, जिसमें साफ तौर पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अनिवार्य पहनावा नहीं है, हर छात्राओं को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना होगा। ये कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी जो है वो की गई है। स्कूल कॉलेज में हिजाब की इजाजत नहीं है, कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी। उत्तराखंड के गढ़वाल और कमाऊं क्षेत्र में पारंपरिक ऋतु पर्व फूल सांगृति और फूलदेई की धूम मच रही है। बता दें कि रविवार से शुरू हुआ फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड समाज के लिए विशेष पारंपरिक महत्व रखता है। इस त्यौहार को फूल सांगृति के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का मानव और प्रकृति के सीधा संबंध है। बता दें साथ ही ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु के आवागमन और स्वागत का प्रतीक भी माना जाता है। वही रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित RR सिनेमा में द कश्मीर फाइल फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हिंदू संगठनों से जुड़ी साधी प्राची ने फिल्म देखने के बाद फिल्म को कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ हुई घटना की सच्चाई बताया। उनका कहना है कि आज हम कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई घटना की सच्चाई देखने के लिए आए हैं। फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को देखने के बाद हमें काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ घटना हुई उनकी स्थिति को समझते हुए हमारी भी हिम्मत टूट सी गई है। इतना ही नहीं, साधी प्राची ने प्रधानमंत्री से द कश्मीर फाइल को जल्द ही टैक्स फ्री करने की मांग की। इस दौरान जब साधी प्राची ने उससे पूछा गया कि कुछ लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं और बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि विरोध करने वाले लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। रुड़की में RR सिनेमा के अंदर कश्मीर के हिंदुओं की जो रियलिटी दिखाई है उसको देखने आए। रियलिटी को देख करके वास्तव में हमें तो देख करके बेहद दर्द हो रहा है।
जिन लोगों ने उन विषम परिस्थितियों को भोगा है, उस दर्दनाक हादसे को सहन किया है, उन लोगों की हिम्मत समझती हूँ। वास्तव में आज मेरी भी हिम्मत टूट गई इसको देख। हाँ, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करूँगी कि इस कश्मीर पिक्चर का टैक्स फ्री किया जाए और युवाओं को ज़रूर दिखाया जाए, कॉलेज में बच्चों को ज़रूर दिखाया जाए, हर हिंदुस्तानी को कश्मीर के ऊपर जो पिक्चर बनी वो देखनी चाहिए। वहीं रोशनाबाद के कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले घर से करीब 16 लाख रुपए की नकदी और 6 लाख रुपए के जेवर की चोरी हो गई। बता दें जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस को आज सफलता हाथ लगी है। बता दें पुलिस ने चोरी के मामले में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही चारों के पास से चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने चोरों को जेल भेज दिया है। इंदिरा विकास कॉलोनी में एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन 16 लाख रुपए से अधिक का नकदी और ज्वेलरी इसमें चोरी हुई थी। और एक दो और घटनाएं भी इस तरह की इस बीच क्षेत्र में हुई थी, जिनसे ये प्रतीत हो रहा था कि कोई गैंग इसमें सक्रिय है। तो लगातार हमारी जो कोतवाली की टीम है और जो हमारी CIU की टीम है, इस पर लगी हुई थी और इसमें एक सफलता प्राप्त करते हुए कल इस घटना से जुड़े हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक चौथा अभियुक्त इसमें अभी फरार है और इनसे करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी कैश और 4 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। और चौथे अभियुक्त की पहचान की जा रही है। इस टीम को मैंने 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। एक कोतवाली और बहदराबाद ये जो घटना को इसने जो मेन मूल जो घटना उसको जो इनाम दिया है वो इसने फेसबुक पे, जैसे आजकल हम लोग अपना स्टेटस डालते रहते हैं कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, वहाँ घूमने जा रहा हूँ, तो ये इसमें चोरी हुई, उन्होंने स्टेटस डाला हुआ था कि ये घर पर नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूरी दीक्षित ने विश्व प्रसिद्ध श्री गंगोत्री में जरूरी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण पर जायजा लिया। यात्रा के सुगम संचालन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि धाम में घाटों के किनारे और यात्रा पहाड़ों पर साफ सफाई, पार्किंग में आवश्यक कार्यों के निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं को कपाट खुलने से पहले पूरा करना सुनिश्चित करें। वही चमोली के सीमांत नगर पालिका जोशीमठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित नंदा देवी नेशनल पार्क रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के पास बने पालिका के कूड़ा डंपिंग जोन में जबरदस्त आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। बता दें कूड़े के डंपिंग जोन में लगी आग ने आसपास के जंगल में फैलना शुरू कर दिया। हालांकि फायर ब्रिगेड, पुलिस, वन विभाग और पालिका कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो चलिए खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।